Assalamu Alaikum dear students. I am Naveed Hamad. I'm here to teach biology for grade 12. We are going to start chapter number 24, and the topic of discussion today is introduction and the concept of evolution with special creation. So link scientists' contributions or evolution could define in ko light board. Dear students, we are going to start. एवोल्यूशन यू नो दैट एवोल्यूशन क्या होता है किस तरह से है अब इंसान की जिंदगी में शुरू से लेकर कुछ सवालत जो हैं वो चलते आ रहे हैं अब वो सवाल हैं क्या चीज मतलब ये है कि लाइफ कब बनी अर्थ कैसे बन गई अर्थ का ओरिजिन कब हुआ उसके बाद फिर इतनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन गए हैं कंप्लेक्सिटी बन गई है हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर्मड ये कैसे बने ओवरऑल लाइफ किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं कैसे इतने कंप्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए हैं यानी कि ये ओवरऑल ये हमारे माइंड में क्वेश्चन हैं जिंदगी कहाँ से शुरू ही होगी वी आर अनएबल टू आंसर हमें इस आंसर का ही नहीं पता एज बींग यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर वन तो हमने ये पढ़ा था वाट इज़ लाइफ तो इसका भी आंसर हमारे पास नहीं है इसी तरह से लाइफ क्या है किस तरह से है ये वी आर अनेबल टू आंसर सम क्वेश्चंस। लेकिन ये है कि हमने कुछ एस्पेक्ट्स को पढ़ना शुरू किया स्टडी की रिसर्च की और हमने फाइंड आउट किया कि देयर इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को ऑर्गेनिक एवोल्यूशन चीज है इस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इन अ सिंपल वर्ड्स आई कैन डिफाइन

एक बात नोट कीजिएगा आई टॉक अबाउट इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यह है कि उसके जिनोम में चेंज आ रहा है किसमें चेंज आ रहे हैं जिनोम में जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जेनेटिक्स में आहिस्ता 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 चेंज आता जा रहे हैं एंड दैट चेंज इज नोन एज एवोल्यूशन इसको हमने क्या नाम दिया है एवोल्यूशन का नाम दिया है अकॉर्डिंग टू योर बुक अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हम कहते हैं द चेंज यानी कि ये जो चेंज आया है चेंज फ्रॉम simpler simpler or earliest life form earliest life form to complex to complex existing existing variety of life existing variety of life इस चें हमने किस नाम से मैंशन किया एवोलूशन के नाम से मैं इन शॉर्ट अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें यहाँ पे हम और लिखते हैं हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं देखिए सिंपलेस्ट या अर्लीस्ट फॉर्म से लाइफ फॉर्म से हमने कंप्लेक्स या एग्जिस्टिंग वराइटी ऑफ लाइफ में इसको कन्वर्ट किया है अब देखिए इट मीन टू से कि एवोल्यूशन जो है वो सिंपलर फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म बनाने में इन्वॉल्व है अर्लीस्ट फॉर्म से एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म वराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म बनाने में इन्वॉल्व है स्टूडेंट उसने ऐसे भी कहा कि जो एवोल्यूशन है एवोल्यूशन दैट इन्वॉल्व टू थिंग्स इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक तो हम कहते हैं इंट्रैक्शन यानी कि इंटरेक्शन विद देयर इनमेंट इंटरक्शन विद इन्वायमेंट यानी कि इन्वायमेंट के साथ कोई खास किस्म की इंटरेक्शन होती हैं एक तो ये है दूसरा ये है कि चेंज इन इट्स इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक विल पावर भी होती है या फिर हम उसे यह भी कहते हैं कि उसके इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है, चेंज इन करैक्टरिस्टिक्स। या पर सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो चेंज इन करैक्टरिस्टिक्स आ रहा है, दैट्स बेस्ड अपॉन इनवॉरमेंटल एक्शंस। ये इनवॉरमेंटल इनवॉरमेंट environment के साथ इंटरैक्शंस की बेस पे आता है। तो इनवॉरमेंट की बात करें। या फिर ऑर्गेनिजम्स की अपनी बात करें उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंज आ रहे हैं दैट एवोल्यूशन इन्वॉल्व इसमें एवोल्यूशन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे इनहेरिटेड करैक्टरस्टिक्स में उसकी करैक्टरस्टिक्स में जो है वो मीओसिस की वजह with से हो सकता है म्यूटेशन की वजह से हो सकता है एनी टाइप ऑफ द रीजन विच काज द चेंज एंड दैट इज विद विद आर यू कैन सी दैट अडेप एक मानो में हम इसे कह सकते हैं अडेप्टशन जो होती हैं उनकी डेवलपमेंट की वजह से आगे ऑर्गेनिजम्स में क्या आता है चेंज आता है और ये जो चेंज होता है इसी को हमने किस नाम से मेंशन किया है एवोल्यूशन के नाम से मेंशन किया है स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं एवोल्यूशन की तो जब भी एवोल्यूशन का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में फादर ऑफ एवोल्यूशन दैट इज उसका नाम हमारे आता है यानी कि जब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो फादर ऑफ एवोल्यूशन हम कह सकते हैं फादर ऑफ एवोल्यूशन दैट इज डार्विन उसका नाम हमारे जहन में ज़रूर आता है जिसको हम चार्ल्स डार्विन भी कहते हैं चार्ल्स डार्विन स्टूडेंट नो दैट जो चार्ल्स डार्विन है इसने प्रॉपरली रिसर्च की है स्टडी की है इस बात को एक्सप्लेन करने में कि एवोल्यूशन हुई है आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रॉपर जो एविडेंसेस के साथ थ्योरी प्रपोज की है सबसे पहले प्रॉपर एविडेंसेस के साथ चार्ल्स डार्विन ने की है जबकि इससे पहले लामार्क ने काम किया था लेकिन उसके पास ऐसा कोई एविडेंसेस सॉलिड रीजंस नहीं थी लॉजिक्स नहीं थी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जिसने प्रॉपरली एविडेंसेस के साथ एवोल्यूशन को प्रोसीड किया वो कौन है चार्ल्स डार्विन है और चार्ल्स डार्विन के मुतल आज भी जो थ्योरी एक्सेप्टेबल है उसके मुलिक आप जानते हैं जिसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं जो आज भी एक्सेप्टेबल है स्टूडेंट ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बात एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज हो गए किस तरह से एक नई स्पीशीज जो है वो बनती है नेचर किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर रही होती है दैट इज बीइंग एक्सप्लेन इन दिस थ्योरी इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी बुक में है दैट इज कॉन्सेप्ट्स दैट इज एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स इसमें स्पेशल क्रिएशन विद एवोल्यूशन कह सकते हैं या फिर एवोल्यूशन विद स्पेशल क्रिएशन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन Evolution with special creation. with special creations स्पेशल क्रिएशन हम यहां पे बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की ये किस किस से रिलेटेड है एवोल्यूशन और स्पेशल क्रिएशन से रिलेटेड करते हैं दो कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं किस बात को एक्सप्लेन करने के लिए दो एक्स दो कॉन्सेप्ट द नंबर वन हम कह सकते हैं कि ये जो दो कॉन्सेप्ट एक तो शिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ जो इंटर इंटरलेट करते हैं इंटर रिलेशनशिप कायम करते हैं जम्स भी कह सकते हैं उसके दरम्यान में इंटरेक्शन एंड ऑफ लाइफ एंड डाइवर्सिटी भी हम कह सकते हैं वाइटी भी कह सकते हैं अब ये जो इंटरेक्शन या इंटरलेशनशिप्स ऑफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर अब अमंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टू स्कूल ऑफ थाट्स आते हैं टू स्कूल ऑफ था जो हैं वो आते हैं स्टूडेंट्स ये टू स्कूल कौन कौन से हैं किस तरह से हैं नंबर वन हम बात करते हैं दैट इज एक्सप्लेन वाई थ्री ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्री ऑफ स्पेशल क्रिएशन स्पेशल क्रिएशन स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और नंबर टू है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से भी मेंशन करते हैं पहले हम जरा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होते हैं स्टूडेंट्स दो साइंटिस्ट हु फॉलो दिस यानी कि ऐसे साइंटिस्ट जो ये मानते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को उसको हम क्रिएशनिस्ट के नाम से मेंशन करते हैं क्रिएशनिस्ट <laughs> उसमें क्रिएशनिस्ट जो हैं वो ये कहलाते हैं जो थी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को फॉलो करते हैं एंड वन ऑफ द साइंटिस्ट वाज कार्लस दिनियल अब ये जो कार्लस कार्लसियस था दैट वाज दैट वाज क्रिएशनिस्ट ये क्रिएशनिस्ट था यानी कि ये बिलीव करता था कि एवरीथिंग इज मेड अप इन अ फ्यू डेज एज इट इज प्रेजेंट हियर यानी कि हर चीज ऐसे ही बन गई जैसे वो अभी प्रेजेंट फॉर्म में है दैट इज थ्री ऑफ स्पेशल क्रिएशन यानी कि क्रिएशनिस्ट वो होते हैं जो बिलीव करते हैं वो बिलीव थ्री ऑफ स्पेशल क्रिएशंस, जो इस इस आइडिया पे बिलीव करते हैं वो बिलीव दिस आइडिया वो बिलीव दिस आइडिया जो इस आइडिया पे बिलीव करते हैं स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंगली ऐसे है कि एवरीथिंग हर चीज फॉर्म्ड एज इट इज यानी कि उसने ये कहा ये जो स्पीशीज हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं फॉर्म्ड आर फॉर्मड एज इट इज प्रेजेंट एज इट इज प्रेजेंट जैसे ये मौजूद हैं इसी तरह से ही सब कुछ बन गया दिस इज एक्सप्लेनिंग थ्री ऑफ स्पेशल क्रिएशन यानी कि वो कहते हैं कि इसमें ऐसा कोई कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है नो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है बल्कि एज इट इज जैसे ये सब कुछ है इसी तरह से ही डेवलप हो गया इसका जो जो था 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 वो वो अब ऐसे पर्सन जो एवोल्यूशन पे फॉलो करते हैं बिलीव करते हैं उनको हम एवोल्यूशनिस्ट के नाम से mention करते हैं एवोल्यूशनिस्ट इसको हम कहते हैं एवलुशनिस्ट यानी कि बिलीव करते हैं उनको हम एवोलिस्ट के नाम से करते हैं। में सबसे पहला जो आइडिया गिवन था दैट वाज बाय लामार्क जीन बैप्टिस्ट सेकंड उसके बाद फिर जो आइडिया प्रपोज किया वो डार्विन का आइडिया था जो कि प्रॉपरली तौर पे इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं और इनमें से एकट जो आजकल भी माना जाता है दैट इज ऑफ ऑफ टॉर्बन टॉर्बंस का आइडिया था स्टूडेंट्स आजकल अगर हम देखें तो मैनी ऑफ द साइंटिस्ट जो वर्क बहुत सी बहुत सी कंट्रीब्यूशन हैं मैनी कंट्रीब्यूशन हैं जो कि मुख्तु साइंटिस्ट ने क्या की हैं दी हैं बहुत सी कंट्रीब्यूशन हैं इसमें मैनी साइंटिस्ट जो हैं वो क्या है? हैं इन्वॉल्व हैं जिनमें से चंद एक साइंटिस्ट जो है वो हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करेंगे बट बिफोर दिस इन दिस द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है एज वेल ये टू स्कूल शॉर्ट क्वेश्चंस ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं एज वेल एज एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि हाउ ऑफ थॉट्स रिलेटेड टू द

अब देखिए डिफरेंट साइंटिस्ट में यहाँ पे कार्लस लीनियस है लामाक माल्टस कोवियर लाइल डार्विन मेंडल वेलस मुख्तफ साइंटिस्ट हैं उन्होंने मुख्तु कंट्रीब्यूशन जो हैं वो की हैं यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये डारबनिज़म है इन हिस्ट्रिकल परस्पेक्टिव अगर हम हिस्ट्रिकल परस्पेक्टिव में देखें तो डारन क्या क्या किस तरह से रोल प्ले कर रहा है तो स्टूडेंट ये साइंटिस्ट के नेम है ये उनका लाइफ स्पैन है और ये उनकी अचीवमेंट्स हैं सबसे पहले देखें कार्ल्स लिनियस एटीन सेंचुरी में इन्होंने वर्किंग की और इन्होंने ऑर्डर ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया क्लासिफिकेशन की क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को जैसे कि हम वो पढ़ते हैं ओवरऑल जब भी हम किसी भी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के जिसमें हम किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर स्पीशीज फैमिली इस तरह से ऑनवर्ड पढ़ रहे होते हैं तो सेम एज इज वो सारी जितनी भी क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी कार्ल्स लिनियस ने एटीन सेंचुरी में दी ये बाद में जाके डार्वंस के लिए एक फोकल पॉइंट भी बन गया डारवंस भी इस बात को स्टडी कर रहा था और ये बात भी आप जानते हैं कार्ल्स लिनियस जो है ये साइंटिस्ट जो है ये क्रिएशनिस था यानी कि ये बिलीव करता था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर स्टूडेंट दूसरा जो इसका कारनामा था वो नोमन है आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर फाइव में डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसने एक प्लांट और एक एनिमल्स के ऊपर एक पब्लिश की बुक जिसमें उनके साइंटिफिक नेम विद क्लासिफिकेशन जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन की गई है स्टूडेंट्स के बाद लामार्क है 1744 से 1829 तक इसने क्या किया पब्लिश थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और उस थ्री एवोल्यूशन को हम लामाकजम के नाम से जानते हैं जिसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इसकी थ्योरी के कौन से पॉइंट्स हैं किस तरह से हैं उसके बाद माल्थस है माल्थस 1766-1834 17, इसने एक एसे पब्लिश किया और ये था प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन के एवोल्यूशन के बुनियादी असूल जो हैं वो किस तरह से हैं कुवियर है 1769-1832 इसने पैलेंटोलॉजी पे बहुत वर्किंग की और कैटास्ट्रोफिज्म

चार्ल्स डावन को तो आप जानते हैं 1809 में पैदा हुए और 18 1882 में इनकी डेथ हुई और वॉयज ऑफ बीगल यानी कि इन्होंने बहरी जहाज पे एक सफ़र किया जो कि पाँच साल के था उसके बाद फिर इन्होंने एक नोटबुक लिखी औरिजन ऑफ स्पीशीज के ऊपर फिर ऐसे लिखा औरिजन ऑफ स्पीशीज के ऊपर औरिजन ऑफ न्यू स्पीशीज के ऊपर जो कि आज नेचुरल सिलेक्शन के तौर पे भी पहचाना जाता है अच्छा मैंडल ग्रेगर जोहन मैंडल तो आप जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हमसे कहते हैं 1822 से 1884 तक रोल है इसका दी पब्लिश पेपर ऑन इनहेरिटेंस इनके दो लॉज आप जानती हैं एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट है ये पेपर जो इनहेरिटेंस पे पब्लिश किए वो किसने किए मैंडल ने किए वेलस की बात करें तो 1823 से 1913 तक सेंट हज थ्यूरी टू डॉर्बन इसने अपनी थ्यूरी किसको सेंड की डारबन की डारबन को किया और डारबन ने फिर इसको पब्लिश किया और अपने एक्सट्रैक्ट ऐसे जो लिख रहा था उसके एक्सट्रैक्ट निकाला और इसकी जो थेरी थी उनको दोनों को मिलाकर पब्लिश किया और उसके नेक्स्ट ईयर इसने अपना ही भी एक पेपर जो है ऐसे जो इसने लिखा था उसको भी क्या कर दिया पब्लिश कर दिया स्टूडेंट्स इसके बाद फिर सर्टन हमारे पास एवोल्यूशन का मेथड जो है वो चल रहा है और एवोल्यूशन को हम डिटेल में ऑनवर्ड इसी चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करते जाएंगे स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास टू स्कूल्स ऑफ हैं द वन इज थ्री ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड द अदर वन इज थ्री ऑफ एवोल्यूशन नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट पॉइंट है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रो कैरियोर्स उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़